आज की इस वीडियो में मैं आपको DSEU के बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि DSEU कौन सा कॉलेज है। तो यार देखो, जब आप जैक डेली की वेबसाइट पे जाओगे तो हर साल जैक डेली 4 कॉलेजेस में एडमिशन ऑफर करती थी, जिसमें से पहला था DTU, सेकंड था IGDTUW, थर्ड था IIIT दिल्ली और फोर्थ था NSUT। बट यार इस बार आप देखोगे तो एक DSEU नाम का कॉलेज आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। तो अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और ये कॉलेज एक्चुअली है कहाँ और ये कॉलेज कैसा है, ये नया कॉलेज है या पुराना कॉलेज है। आज मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊंगा। तो यार जब आप गूगल पर सर्च करोगे DSEU के बारे में तो आपको यहाँ पे दिखेगा जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो यार दिल्ली गवर्नमेंट ने इस कॉलेज को मेनली इसलिए खोला था ताकि बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डेवलप हो। तो यार मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो मेन कैंपस है या यूनिवर्सिटी कैंपस आप कह लो, ये सेक्टर 9 द्वारका में लोकेटेड है। ये आप यहाँ पे देखो। तो अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और ये कॉलेज एक्चुअली है क्या और जैक दिल्ली पे इसका एडमिशन यानी कि बीटेक में इसका एडमिशन पॉसिबल है, तभी जैक दिल्ली पे ये रजिस्टर हुआ ये कॉलेज। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं DSEU के मेन वेबसाइट पे। तो यार आपको आप देखोगे तो DSEU बहुत सारे कॉलेजेस सॉरी कोर्सेज ऑफर करती है, जिसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, उसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक कोर्सेज ऑफर होती है। तो अब यार बीटेक में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो बीटेक में यार मेनली मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टूल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर होते हैं DSEU कॉलेज में। इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने आप सबको बताया था कि ये कॉलेज बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है, तो इनमें से कुछ कोर्सेज की ये देखो फीस है। और यार दिल्ली गवर्नमेंट ने जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें क्या कर रखा है कि हर साल इनकी जो फीस है वो 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट होगी। तो अगर कोई जैसे यहाँ पे डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स 3 ईयर का जैसे प्रोग्राम है, तो इसमें जैसे 15,000 फर्स्ट ईयर की फीस है, तो सेकेंड ईयर की 10% ऐड हो गया तो 16,500 हो गया, फिर इसमें भी 10% ऐड हो गया तो 18,150 रुपये हो गए। तो चलो अब हमें इस पर तो ध्यान नहीं देना, अब हम मेन आते हैं बीटेक की फीस पे। तो यार ये देखो यहाँ पे है बीटेक की फीस। तो यार बीटेक की फर्स्ट ईयर की फीस है 1,50,000, जो कि एज कम्पेयर टू NSUT, DTU, IIIT दिल्ली और IGDTUW के कंपेरिजन में कम है, क्योंकि उनकी फीस 2,20,000 या ऐसा कुछ है, तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं। तो इनकी फीस लगभग कम है, लेकिन 10% के हिसाब से हर साल इनकी फीस इंक्रीमेंट होती जाएगी। इसमें भी इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कंडीशन डाला हुआ है। तो यार चलो अब हम जानते हैं कि ये नया कॉलेज है या पुराना कॉलेज है, तो अगर जो भी है हमें इसमें एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। तो यार जो भी बच्चे बीटेक में एडमिशन लेंगे उनका होगा ओखला कैंपस में, जो कैंपस लोकेटेड है DSEU का ओखला में। तो यार आप सोचो कि ओखला में कहाँ पे कॉलेज लोकेटेड है। तो यार मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ईयर तक ये कॉलेज IP का पार्ट हुआ करता था, जिसे हम सब GB पंत के नाम से जानते थे। तो यार दिल्ली गवर्नमेंट ने उसी कॉलेज का नाम बदल के GB पंत DSEU ओखला कैंपस कर दिया है। तो यार ये देखो ये कॉलेज है। तो यार अगर कोई बच्चा सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में का टैग लेने के लिए जाना चाहता है इस कॉलेज में, तो डेफिनेटली इस कॉलेज को प्रेफर कर सकता है। उसकी रैंक अगर कम भी है तो इस साल ये फर्स्ट ईयर है तो इसमें कट ऑफ हाई जाएगी, तो आसानी से इसमें कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच किसी को भी मिल सकता है गवर्नमेंट ओरिएंटेड। तो यार उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कॉलेज को आप सबसे लास्ट प्रेफरेंस डालना, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए नया नाम है। तो यार इस कॉलेज में आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी। और दूसरा क्या है कि GB पंत का कैंपस साइज बहुत छोटा है, तो आप यार अपने कैंपस को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। अराउंड 2 एकड़ का इसका कैंपस है, तो यार इस कॉलेज को आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस कॉलेज में कुछ भी एक्सप्लोर करने लायक रहेगा नहीं। और इतने छोटे से कैंपस में एरिया में अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि NSIT, DTU और IIIT दिल्ली अगर आपको मिल रहा है तो इस कॉलेज को आप बिल्कुल भी प्रेफर मत करना। बस यही बोलूँगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप NSIT, DTU या और IIIT दिल्ली को रखना, और गर्ल्स IGDTUW को, और उसके बाद आप इस कॉलेज को प्रेफर करना, ठीक है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और कोई हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, या अगर कोई हो तो आप मेल भी मुझे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।